up guys, this is your friend Sorrow और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष जी. आयुष जो है यू नो एक बहुत ही एक्सपर्ट है मछली पकड़ने में. उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है, एक ऐसी रिसर्च की है जिससे वो रोज मछली पकड़ते हैं. आप कितनी मछली पकड़ लेते हो दिन में? हम एक दो मछली जो कि पकड़ लेते हो. आप उसके बाद क्या करते हो घर? उसके बाद इसे खाते हो या बेचते हो? बेचते नहीं, खाते. तो ये लाइक अपना छोटा मोटा शौक पूरा करने के लिए मछली खाते हैं. इनका एक बहुत ही अच्छा यंत्र है जो अभी इन्होंने पानी में डाला है. देखते हैं अभी इसमें कुछ मछली पकड़ी जाती है या नहीं पकड़ी जाती. तो लेट्स वेट. और काफ़ी जो है आयुष जी यू नो एक्साइटेड हैं, इन्हें मछली खाने को मिलने वाली है. लेट्स वेट फॉर इट. तो गाइस उन्होंने ये मुझे पकड़ा दिया है. आयुष जी ने मुझे ये पकड़ा दिया. वो नीचे जा चुके हैं और आप देख सकते हो अब वो थोड़ा सा यू नो किसी से कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. लगता है कुछ शायद लगा है उनके हाथ या नहीं लगा. लेट्स सी. मैं इनका यंत्र भी आपको जरूर दिखाऊंगा. यहाँ पर भी आप देख सकते हो यू नो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आए हैं. ये भी यहाँ पे जो है मछली पकड़ के वो देख सकते हो आप. ही स्विमिंग सो वेल. वो देखिए आई मीन बिना किसी डर के ये बच्चे रोज इन खतरों से खेलते हैं. देख सकते हो आप. ही स्विमिंग सो हार्ड. ओ माय गॉड ही स्विमिंग सो हार्ड. लेट्स सी. देख सकते हो आप कैमरा कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया. और इस कटिंग और आयुष जी ने निकाला. आयुष जी एक बार आप हमें दिखाएंगे आपका यंत्र फिर से. तो गाइस ये आयुष जी का यंत्र है. इसे थोड़ा सा आयुष जी थोड़ा करीब लाए. ये देख सकते हो आप थोड़ा सा करीब बाबू. इस पे ये है. ये क्या है? ये केचू इसमें बांधे गए हैं जिससे कि यू नो मछली इसे खाए. तो मछली कैसे फंस जाती है? जैसे वो है ना बम खाने आती है तब खींचना पड़ता है. अच्छा वो उसके मुंह में कांटा फंस जाता है. ये जैसे खाने आई हाँ. तो वो खींचेगी जैसे डंडे को ना हाँ. एकदम खींचना पड़ती है. जैसे बाहर आई मारने पड़ती है. अच्छा तो गाइस यू नो ऐसे यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है. सो ओके बाय बाय आयुष. थैंक यू. So this was interview with Ayush. I enjoyed it.